गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वाइल्ड चेयर इंडिया। टुडे इज द बिग डे, रेस डे, एंड हम लोग जा रहे हैं ग्रम्फू स्टार्ट पे, जहाँ से हमारी सेकंड स्टेज स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट स्टेज तो स्किप कर दी है ऑर्गेनाइजर्स ने, जो कि थी ट्रांसपोर्ट की, जिसमें कि सिसु हेलीपैड से ग्रम्फू तक जाना था। बट अब जाएंगे सीधा स्टेज स्टार्ट कर में। 8:27 टाइम है, तो 8:27 पे रिपोर्ट करेंगे। तैयारी हो रही है पूरी। व्यू अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यहाँ का, आई विल शो यू द व्यू। ये रूम ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ही मिला था हमें। तैयारी चल रही है फुल थ्रॉटल। जाम जा रहे हैं ना, काजा है, मतलब ग्रम्फू से काजा तक जाना है। काजा में और ठंड है और ज़्यादा एल्टीट्यूड है। सब बोला जाता है कि वहाँ पे गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं आता, तो पावर भी थोड़ी सी मिसिंग रहती है। बस ध्यान रखना है, संभाल के चलानी है। सारे एक्सपर्ट राइडर्स हैं। अगर कोई ओवरटेक ले रहा है तो लेने देने का है, बढ़िया भाईचारे में अपन को जिंदा रहना है। यह जितनी प्रैक्टिस होनी थी वो हो चुकी है, मतलब गियर्स की, बाइक चलाने की। थोड़ा सा गियर्स की वजह से अनईजी लगता है, बट इज ऑल वेल। अब मिलेंगे हम आपको नीचे होटल के बाहर। माहौल कड़क है। बाबर भाई आए, बोलिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट टाइम दे दिया गया है, स्टार्ट टाइम के हिसाब से ही एवरीवन इज गोइंग टू स्टार्ट। और अच्छा, सामने वो जो चेक पोस्ट है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये सब अपने अपने टाइम के हिसाब से 1-1 मिनट के डिफरेंस से लाइंड अप है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेटी, ऑल द बेस्ट। All the best. Any tips? Thank you. Final tips. Right left, right hard. Fuck fear, just drop the gear. MP का नाम रोशन करना है मेरे भाई। Fuck fear, just drop the gear and we will disappear. कुछ नहीं बोलोगे? मैं तो best man win. All the best. Thank you. Thank you. All the best, friends.
स्टेज वन इज़ फिनिश्ड एंड थोड़ा बहुत काम निकला था गाड़ी में क्योंकि दो छोटे छोटे क्रैशेज हो गए थे, अदरवाइज ऑल वेल। आपको किसी ग्रुप डी ने ओवरटेक मारा? अब यहाँ से राउंड टू के लिए तैयार, ये होगी स्टेज थ्री। अननेसेसरी के दो क्रैश हो गए, 3-1 मिनट मेरे किल हो गए, अदरवाइज टाइमिंग तो फिर भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। अब देखते हैं, क्रैश नहीं होना है, यही है प्लान, बाकी सब बढ़िया। तो मिलेंगे आगे, ऑल द बेस्ट टू यू एंड टू मी। Stage 2 finished, timing is excellent, I guess, and वहाँ पीछे ना मेरे वो फिनिश, वहाँ पर टाइम नोट हो जाता है, जैसे आप एंटर करते हो स्टार्ट टाइम से माइनस कर लो, यहाँ पर ब्रेकफास्ट है, सारे राइडर्स शेयर कर रहे हैं कौन क्रैश हुआ, कौन बचा, किसका क्लोज कॉल था, ऑल एंड ऑल वॉज फन। अर्लियर स्टेज काफ़ी धीरे चलाया, धीरे तो नहीं चलाया बट संभल के चलाया, वो फर्स्ट स्टेज में दो बार नहीं क्रैश होता था, कम से कम 3 मिनट बच जाते, 4 मिनट बच जाते, क्रैश में से तो उठा लिया 30 सेकंड में, दूसरे क्रैश से भी उठा लिया 10-15 सेकंड में, बट उसके बाद सामान हिल गया ना तो स्पीड नहीं पकड़ पाया जितनी स्पीड पकड़नी थी, बट ऑल इन ऑल पूरी हिट है, कुछ नहीं हुआ, मस्त गिर रहा हूँ हेलमेट के बल, रगड़ रगड़ के GoPro की गार्ड्स थोड़े से क्रैक हो गए हैं, बाकी तो आई होप GoPro इज फाइन। क्या तो सीनरी है और क्या तो व्यू है। काजा जा रहे हैं अभी, कांगेर किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्पिति में, पीछे स्पिति रीजन है, रास्ता अनरियल है यार, वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। भगा भगा के हो गए पागल, अब बचा है 3 किलोमीटर काजा, तो हमारा ट्रांसपोर्ट एरिया मतलब बेसिकली स्टेज 2 ख़त्म हो जाएगी जैसे ही मैं काजा पहुंच जाऊंगा। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं हाथ में मोबाइल लेके या कैमरा लेके पहुंचूं, आई डोंट थिंक दैट इज़ अलाउड। हाँ भाई, स्टेजेस ख़त्म, ऑल सेट, ओ माय गॉड,
कैसा एक्सपीरियंस रहा है कह नहीं सकता मैं। कुत्ता ऐसे भगाया है, रैंक तो पता नहीं 12 बता रहा है अभी भी, मतलब धीरे चलाया है इसका मतलब। और टाइमिंग में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, आई थिंक टाइम गलत डाला है इन लोगों ने, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था 36 मिनट में किया है मैंने राउंड टू, और यहाँ पर 45 मिनट दिखा रहे, तो वो मैं करेक्ट कराऊँगा। और ये कुछ रूम मिला हुआ है, अब इसमें सामान वामान सब डाल दिया है अपना, अब देखते हैं क्या हो सकता है। काफ़ी अच्छा दिन रहा एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो इट वॉज़ अनरियल, आपको दिख ही रहे हैं व्लॉग्स एंड वीडियोज़। अभी आलू पराठा ऑर्डर किया है एंड गोप्रो की फुटेजेस चेक आउट कर रहा हूँ। यह है आलू पराठा एंड यह है रूम और यह है सामान। मनीष करके हैं महाराष्ट्र से, जिनके साथ मैं रूम शेयर कर रहा हूँ, ये वाला अच्छा लड़का है। एंड अब सोऊंगा थोड़ी देर और फिर थोड़ा काजा का एक चक्कर मारने चलेंगे साथ में। तो हम चल रहे हैं काजा घूमने, थोड़ा सा तो आराम कर लिया है, उसके बाद देखेंगे कैसा रहता है काजा घूमना। तो लेट्स गो। थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, बस मेरे को एक बाइक निकालनी है अपनी। ठीक है, सेफ रेड। या थैंक्स ब्रो। भैया यहाँ पर अभी जैसे इस टाइम पे मैं कौन कौन सी जगह घूम सकता हूँ? इसके में से आप लांजा जा सकते हैं, यहाँ से 25 किलोमीटर। इस काजा में बेस्ट स्पॉट्स क्या हैं देखने के? बाकी यहाँ से एक रास्ता ऊपर को जाता है। हाँ, यहाँ से काजा का व्यू दिखता है, बाइक भी जाएगी ऊपर तक। अच्छा, यहाँ स्टेचू है ना जो, वो यही आगे से जाता है रास्ता, ये लेफ्ट। थैंक यू, थैंक यू। बाकी थोड़ा दूर है, 25 किलोमीटर। नहीं नहीं, आज ही पास है यार, आज चला ली 100-150 किलोमीटर रैली में, हो गया, कल वापस वैसे ही चलानी है। ठीक है भैया, थैंक यू। ऊपर जाने के लिए यही रास्ता है क्या ऊपर स्टैच्यू के पास? हाँ, यहाँ से चढ़ जाऊँ ऊपर? कहाँ से? मंदिर जाने के। हाँ हाँ, यहाँ से व्यू देखते हैं कैसा मिल रहा है। बहुत ही छोटा सा टाउन है यार, यहाँ कुछ है नहीं खास घूमने को। ब्यूटीफुल, बट हाँ ठंड जबरदस्त पड़ने वाली है भाई।
दिस इज स्पिति वैली, सरीन, ब्यूटिफुल, साइलेंट, हार्श कंडीशंस, पानी इतना ठंडा होगा ना, ओए होए।